students, this is a class of unit operation for fifth semester petroleum engineering students. Okay, last class में हम heat exchangers हमने complete किया था. हमने different type के जो heat exchangers थे उनका construction, उसका जो working principles है, ठीक है, उसी के साथ हमने उसके advantages and disadvantages क्या होते हैं उसके बारे में हमने study किया था. उसी के साथ हमने उसका एक numerical problem study किया था. अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है इवेपोरेशन. ठीक है, हम उसका ऑपरेशन समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ये ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, और कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इवेपोरेशन के प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, किसका क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो सब हम स्टडी करने वाले हैं इवेपोरेशन में. ये आपका यूनिट 4 का जो सेकेंड पार्ट है वो कवर करेगा. ठीक है, तो इवेपोरेशन इज नथिंग, इट इज अ ऑपरेशन विच इज कैरिड आउट इन अ इंडस्ट्री एज अ मीन्स ऑफ कंसेंट्रेटिंग अ वीक सॉल्यूशन बाय वेपराइजिंग अ पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट. क्या इसका क्या मतलब है कि क्या करते हैं कि हम इवेपोरेशन क्यों करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि हम एक जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई जो हमारा थिन सॉल्यूशन है, जो डिल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, उस डिल्यूट सॉल्यूशन को हम हीट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हीट प्रोवाइड करके क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं. तो उस टेम्परेचर रेज करने का जो हमारा मोटिव होता है वो क्या होता है कि उसमें जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उस सॉल्वेंट के अमाउंट को हम कम करते हैं. वो सॉल्वेंट क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, तो वो वेपराइज होके वो जो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन बचेगा वो थोड़ा सा थिक रहेगा कंपैरेटिवली जो पहले जो हमारा सॉल्यूशन था उसके. तो किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी वीक सॉल्यूशन को थिक बनाना, थिक हम कैसे बनाएंगे, उसको हीट प्रोवाइड करके और उसमें जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो वेपराइज करके, ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट रिड्यूस करके हम किसी भी सॉल्यूशन को जब थिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं या उसका कंसंट्रेशन रेज करते हैं, जैसे कि कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है और उसको हीट अप करके और हम जो सॉल्वेंट पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, उसको वेपराइज हो जाएगा, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो हमें क्या मिल गया, थिक सॉल्यूशन मिल गया या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिल गया. तो इस तरीके जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलने के लिए जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं वो होता है इवेपोरेशन, ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि जो इवेपोरेशन है वो जो दूसरे प्रोसेसेस थे जिसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, तो वो डिफरेंट कैसे हुआ. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्राइंग करते हैं हम, ठीक है, ड्राइंग में भी क्या होता है कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं. तो अब ड्राइंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है कि ड्राइंग इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम हीट प्रोवाइड करके और एक थिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है, जबकि ड्राइंग में क्या होता है हमें एग्जैक्टली सॉलिड पार्ट मिलता है, ठीक है. तो जो हमें सॉलिड पार्ट है वो नहीं, हमें लिक्विफाइड पार्ट मिलता है इवेपोरेशन प्रोसेस में. जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन में हम उसको हीट प्रोवाइड करके क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होगा हमें उसकी क्रिस्टल बॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जो इवेपोरेशन है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि किसी भी जो भी सॉल्यूशन है उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको थिक अमाउंट करते हैं उसका, ठीक है. तो इसी तरीके से कि और जैसे कि डिस्टिलेशन हुआ, अब डिस्टिलेशन में भी क्या कर रहे हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं कि हम उसका फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं, उसकी अपोजिट. इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, हमेशा ऑलमोस्ट क्या होता है, एक सिंगल कंपोनेंट ही यूज होता है, ठीक है, एक सिंगल कंपोनेंट है जिसको हमने हीटअप किया और उसको कंसंट्रेट किया. लेकिन डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट उसके वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हीटअप करके और डिफरेंट डिफरेंट उसका फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं, मतलब उसमें से डिफरेंट पार्ट अलग कर रहे हैं. मल्टीपल जो कंपोजिशन था, ठीक है, मल्टीपेज कंपोजिशन था, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं उसको हम फ्रैक्शनेट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस थे और इवेपोरेशन उससे अलग कैसे हुआ ये हमने समझा. तो जो वीक सॉल्यूशन हम कह रहे हैं कि जो वीक सॉल्यूशन है उसको हम कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, हम उसको थिकर बना रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं. तो जो हमारा वीक सॉल्यूशन होता है वो किससे बना होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट से. सॉल्वेंट वो होता है जो कि अपने में डिसॉल्व करेगा सॉल्यूट को, ठीक है. तो हमें क्या करना होता है, अब ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है. नॉन वोलेटाइल मीन्स कि हम इसको हीटअप करेंगे लेकिन फिर भी ये वेपराइज नहीं होगा. लेकिन जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मीन्स कि उसको हीट देने पे अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से अपना एक्सीड हो गया तो वो वेपराइज हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब जो सॉल्वेंट का अमाउंट है उसको रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमने सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, वाटर है, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट जो कि खुद में डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है, हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, तो ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया. अब उसको हमने हीट प्रोवाइड किया, तो हीट प्रोवाइड करने
करने पे क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट होगा उसका वो वेपराइज होता जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो वेपराइज होता जाएगा, तो वो क्या होगा, हमने जितना अमाउंट ऑफ उसको हीट प्रोवाइड किया तो वो वेपराइज होके क्या बन जाएगा, एक थिकर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले वो डाइल्यूट था लेकिन हमने क्या किया, अब उसको हीट प्रोवाइड करके उसमें जो वाटर का कंटेंट था, उस वाटर के कंटेंट को, जो वाटर क्या था हमारा सॉल्वेंट था, उस कंटेंट को हमने कम कर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा थिकर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है, दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, हम आपको हीट सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन को ताकि वो उसका जो टेम्परेचर है वो रेज हो और वो उसमें जो सॉल्वेंट पार्ट है वो वेपराइज हो जाए। तो जो हीट के जो जनरल सोर्स होता है, जो जनरली हम जो सोर्स यूज करते हैं वो होता है लो प्रेशर स्टीम। ठीक है, और जो अदर सोर्सेज हैं, ठीक है, जो हम कभी कभार इसको यूज करते हैं, लेकिन जो जनरली हम लो प्रेशर स्टीम यूज करते हैं, जो अदर सोर्सेज है वो है हीट के, वो है फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, हॉट ऑयल एंड फ्यूल गैसेस। ठीक है, इससे भी हम इसको, जो हमारा सोल्यूशन है उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इवोपोरेशन इकोनॉमी। ठीक है, इवोपोरेशन इकोनॉमी क्या होती है, इवोपोरेशन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वाटर इवोपोरेटेड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम फेड टू द इवोपोरेटर। ठीक है, मतलब इवोपोरेशन इकोनॉमी क्या होती है कि हमने कितना अमाउंट, हमने जो वाटर था वो इवोपोरेट हुआ या वेपराइज हुआ टू किसका रेशियो, कि कितना अमाउंट ऑफ हमने जो स्टीम है उसको दिया, कितना किलोग्राम हमने, जैसे कि हमने अगर हमारा 2 किलोग्राम, हमने 1 किलोग्राम उसको मान लिया, हमने इसको 2 kg हमने स्टीम फीड करी। ठीक है, जैसे 2 kg हमने स्टीम फीड करी, ठीक है, और जो हमारा 2 kg स्टीम फीड करने पे जो हमारा वाटर है वो वेपराइज हुआ मान लिया 1.5 kg मान लिया। ठीक है, जो वाटर है जो वेपराइज हो गया, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा इवोपोरेटर इकोनॉमी। तो हम क्या करते हैं कि जो इवोपोरेटर इकोनॉमी है वो हमेशा मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं, तो इसको इंक्रीज करने के जो दो तरीके से जो इवोपोरेटर इकोनॉमी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ये मेथड है यूज ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेटर सिस्टम। ठीक है, क्या करते हैं, एक दो तरीके के इवोपोरेटर सिस्टम होते हैं, एक सिंगल इफेक्ट होता है और एक मल्टीपल इफेक्ट होता है। ठीक है, सिंगल इफेक्ट में क्या होता है कि हमने इवोपोरेटर में हमने स्टीम फेड करी, उस स्टीम में जो हमारा सॉल्वेंट था उसको वेपराइज किया और वो वेपर आउट हो गई। लेकिन जो मल्टीपल इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट जो वेपराइज हो गया उस वेपर को हम अगेन यूज करते हैं एज ए स्टीम। ठीक है, उस वेपर को हम वापस रिसाइकल करके और एज ए स्टीम यूज करते हैं और फीड में हम उसको फीड चेस्ट में उसको एंटर दे देते हैं, उसकी एंट्री हो जाती है। तो इस तरीके से मल्टीपल की 2 पास भी हो सकता है, 3 पास भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसको मल्टीपल उसका यूज करके और इवोपोरेटर की जो इकोनॉमी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो सेकेंड है आपका मेथड वो है वेपर रिकम्प्रेशन। वेपर रिकम्प्रेशन में क्या होता है, जो हमारा जो सॉल्वेंट का पार्ट है जो वेपराइज हो गया, ठीक है, उस वेपर को हम प्रेशराइज करके उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसको प्रेशर हमने प्रोवाइड किया, उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने पे क्या हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो उसका हीट ट्रांसफर रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो इवोपोरेटर इकोनॉमी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं इन दो तरीकों से। नेक्स्ट है आपका, मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो तरह के इवोपोरेशन सिस्टम होते हैं, एक सिंगल इफेक्ट होता है और एक मल्टीपल इफेक्ट होता है। तो हम जो है सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर है उसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, अब सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर है वो इस तरीके से होता है, जैसे कि एक इवोपोरेटर है, एक ब्लॉक डायग्राम से हम इसको समझेंगे। इवोपोरेटर सिस्टम, ये इवोपोरेटर। ठीक है, अब हमने इसमें फील्ड दिया, जो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, जो वीक सॉल्यूशन था उसको हम, जो उसका फ्लो रेट है हमने मान लिया, जो हमारा फीड है वीक सॉल्यूशन का वो उसका जो वो है मास फ्लो रेट है फीड का वो है m डॉट f। ठीक है, इसको इससे हम डिनोट कर रहे हैं जो कि है kg पर आर में। ठीक है, kg पर आर में है फीड की मास फ्लो रेट। अब हमने इसको स्टीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये इसका इनपुट है, तो अब जो इवोपोरेटर का जो आउटपुट है वो होगा, एक तो कि जो सॉल्वेंट था जो वेपराइज हो गया, ठीक है, वेपराइज होके
जो सॉल्वेंट है वो उसका जो मास फ्लोरेट है वो है एमवी, ठीक है। अब उसकी भी जो यूनिट है वो है केजी पर आर, ठीक है। वेपर का जो मास फ्लोरेट है वो है एमवी एंड जो फ्लूइड का जो मास फ्लोरेट है वो है एमएफ जो कि है केजी पर आर में प्लस। और क्या होगा जो हमें वीक सोल्यूशन था, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंसेंट्रेटेड थिक लिकर मिलेगा, ठीक है। तो जो थिक लिकर है उसका जो मास फ्लोरेट रहेगा उसको हम एम डैश से डिनोट कर रहे हैं और इसका भी जो यूनिट रहेगा वो केजी पर आर में रहेगा मास फ्लोरेट का। अब इसमें सोल्यूट का जो अमाउंट है वो हमने मान लिया डब्ल्यू 1% है, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन था, जो हमारा फीड है उसमें सोल्यूशन जो सोल्यूट का अमाउंट है वो है डब्ल्यू 1% एंड जो हमारा थिक लिकर है ये हमारा एम डैश है जो की थिक लिकर है। अब थिक लिकर में जो सोल्यूट जो सॉलिड कंटेंट है, ठीक है, उसका अमाउंट है थिक लिकर में जो सॉलिड कंटेंट है उसका अमाउंट है हमने मान लिया W2%, ठीक है। अब हमने इसमें जो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, ठीक है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाएंगे इस एवोपोरेटर के लिए तो क्या होगा, हमने इसमें फीड का जो मास फ्लोरेट है वो है एमएफ इक्वल्स टू क्या होगा, जो वेपर है उसका मास फ्लोरेट प्लस जो कि थिक लिकर है थिक लिकर का मास फ्लोरेट एम डैश, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, ठीक है। अगर ये हो गया ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, अगर हमें बात करनी है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इसमें जो फीड है फीड में जो सॉल्यूट था हमारा W1% था, ठीक है, जो कंसेंट्रेट होके जो अब हमारा जो थिक लिकर है उसमें जो सॉल्यूट रहा वो रहा W2%, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूट में अगर हम इसका ओवरऑल बैलेंस निकालें तो मटेरियल बैलेंस फॉर सॉल्यूट, जो मटेरियल बैलेंस है सॉल्यूट के लिए रहेगा में तो W1/100 लिख देंगे हम, W1/100 मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट ऑफ फीड इक्वल्स टू, अब सेकंड में जो कितना रहा हमारे पास W2% है क्वांटिटी सॉल्यूट की, तो W2% में तो W2 डिवाइडेड बाय 100 इनटू मास फ्लो रेट ऑफ थिक लिकर जो कि है m डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम मटेरियल बैलेंस करेंगे सॉल्यूट के लिए कि फीड में कितना परसेंटेज है सॉल्यूट का कितना कंटेंट है एंड जो हमारा थिक लिकर है उसमें कितना कंटेंट रहा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको सिंगल इफेक्ट में कैसे पढ़ सकते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन इवेपोरेटर में फीड किया, हमने क्यों स्टीम दी इवेपोरेटर को, ठीक है। तो जो फीड है उसका क्या हुआ, टेम्परेचर रेज हुआ उसकी बॉइलिंग पॉइंट तक उसने टेम्परेचर रेज किया और फिर क्या किया, और इसके ज्यादा इसको टेम्परेचर मिलेगा जैसे क्यों हीट इसको मिल रही है स्टीम से, तो वो इसका टेम्परेचर रेज करेगी बॉइलिंग पॉइंट से एक्सीड करने पे क्या हो जाएगा, उसका जो सॉल्वेंट कंटेंट है वो वेपराइज होने स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट कंटेंट है जो वेपर फॉर्म में आ गया तो उसका जो मास फ्लोरेट है वो एमवी डैश है और जो हमारा थिक लिकर था उसका जो मास फ्लोरेट आएगा जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो रहेगा एम डैश। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब हाँ वी विल कैलकुलेट जो इसका जो बेसिक जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो हम ओवरऑल जो इसका एंथैल्पी बैलेंस है वो उसकी इक्वेशन देखेंगे इवोपोरेटर के लिए, ठीक है। तो एंथैल्पी बैलेंस ऑफ द इवोपोरेटर steam
रहा है, एक तो हम स्टीम का इनपुट दे रहे हैं और एक हम हीट का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट एसोसिएटेड विद स्टीम एंड प्लस हीट एसोसिएटेड विद होगा जो आउटपुट हमें मिल रहा है। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, जो थिक लिकर है वो मिल रहा है और जो वेपर्स फॉर्म हो रही है वो मिल रहा है सॉल्वेंट से, जो वेपराइज टर्म हो रही है, ठीक है। तो हीट एसोसिएटेड विथ हीट एसोसिएटेड विथ वेपर लिमिट, ठीक है। जो वेपर है वो जो बन रही है उसके साथ जो हीट एसोसिएटेड है ये हमारा आउटपुट है प्लस, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हीट एसोसिएटेड विद हीट एसोसिएटेड विद जो हमारा थिक लिकर है वो हमारा आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब हीट एसोसिएटेड विद स्टीम, ठीक है, कि जो हमारी स्टीम है उसके साथ कितनी वो कितना हीट प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि जो स्टीम है वो हमारा QS हीट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो उसका जो हीट फ्लो रेट है वो है QS। तो इसको जो स्टीम देगा वो हमने मान लिया MS into lambda S, ठीक है। MS यहाँ पे क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम एंड lambda S इज द कंडेंसेशन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन
हमारी ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट की इक्वेशन फॉर एन इवेपोरेटर। ठीक है, अब तो इसको आप लिख सकते हैं ये जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या हो रही है स्टीम साइड, तो हीट ट्रांसफर रेट फॉर स्टीम साइड करेगी, जो हमारी स्टीम है वो इसका टेम्परेचर किस तरीके से रेज करेगी, फिर वो वेपर कैसे बनेगा, सॉल्वेंट पार्ट होगा वो, और हमें जो थिक लिकर होगा वो किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए जो ओवरऑल एंथैल्पी बैलेंस की इक्वेशन है वो इस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, इफ वी वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में हमें अगर इक्वेशन लिखना है तो किस तरीके से रहेगा, QS equals to Q. QS यहाँ पे क्या है, जो हीट ट्रांसफर रेट है वो स्टीम साइड में, ठीक है, कि स्टीम कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब जितना वो हीट प्रोवाइड कर रहा है उतना ही गेन होगा जो कि हमें वेपराइज करना है सॉल्वेंट का पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो स्टीम है वो जो स्टीम है उसका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या है, QS equals to MS into lambda S. ठीक है, MS is a steam mass flow rate of steam and lambda S is the latent heat of condensation. ठीक है, ये क्या होगा, हमें क्या करना होता है, जो हमारा फीड है, ठीक है, फीड का हमें टेम्परेचर रेज करना है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा फीड है उसका जो हमने फीड दिया इवेपोरेटर में, ठीक है, इवेपोरेटर में हमने फीड दिया तो उसका जो टेम्परेचर था फीड करने पे, उसका टेम्परेचर था TF, हमने मान लिया जो फीड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि फीड में जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमने मान लिया कि, क्योंकि जो हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने हमने स्टीम से जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करना चाहिए, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसका टेम्परेचर रेज करना चाहिए, इसकी स्टीम यूज करके वो फीड क्या करेगा, इसके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट जो कि टी है उस तक इसका टेम्परेचर रेज करेगा। तो इसके टेम्परेचर रेज करने में कितना हीट लगेगा उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, जो एमएफ है वो क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ फीड, फीड और फीड की हमने मान लिया जो इसकी स्पेसिफिक हीट है वो है सीपीएफ, सीपीएफ इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ फीड। ठीक है, और फीड इसका हमने टेम्परेचर रेज किया टी तक, ठीक है, टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन द फीड। ठीक है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है टी, टी माइनस इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था टी एफ। ठीक है, इतना इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया, अब बॉइलिंग पॉइंट तक हमने पहुंचा दिया इसके फीड के जो सॉल्वेंट को। ठीक है, अब उस सॉल्वेंट को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, हम उसको वेपराइज करेंगे, तो वेपराइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी एम वी डैश, जो मास फ्लो रेट ऑफ वेपर इनटू लैम्डा वी, लैम्डा वी इज हियर द लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेड हीट ऑफ द वेपराइजेशन। अब क्या होगा, इस हम एमएफ को हम सॉरी एम डैश वी को हम क्या लिख सकते हैं, एम एफ सी पी एफ टी माइनस टी एफ प्लस, यहाँ पे ओवरऑल जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन थी उससे हम लिख सकते हैं एमपी डैश को एम एफ माइनस एम डैश इंटू लैम्डा वी। ठीक है, तो ये जो हो गई हीट ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर रेट की इक्वेशन हो गई, जब हमें उसको जो एंथैल्पीज को अगर एंथैल्पीज की टर्म में अगर हम एंथैल्पीज को नेगलीफाई करते हैं तो क्या होगा, अगर हमें स्पेसिफिक जो हीट है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट की इक्वेशन होगी बैलेंस करने पे। ठीक है, तो ये हम सिंगल इफेक्ट में हमने ये स्टडी कर लिया कि कैसे हम इसको बैलेंस करके, और अगर हमें इसकी जो ये टर्म्स अगर हमें हमें नोन होगी तो हमें एक सिंगल टर्म को कैलकुलेट करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए देगा, इनमें से किसी एक टर्म को डिटरमाइन करने के लिए देगा, बाकी सारी टर्म्स नोन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट है, अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर द रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया फॉर एन इवेपोरेटर, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिक्वायर्ड हीट
transfer area for an evaporator. ठीक है, हम अगेन जो जो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन था वो लगा लेंगे. QS इक्वल्स टू, अब QS क्या है, जो हमारा हीट है हमें स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, मीडियम जो हमारा हीट का मीडियम है वो हमारा स्टीम है, जो कि QS हीट प्रोवाइड करेगा, वो QS विल बी इक्वल्स टू कैपिटल Q. कैपिटल Q क्या है, अगर हम इसको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के टर्म्स में डिनोट करें तो जो कैपिटल Q वो क्या होगा, यू ए डेल्टा टी. ठीक है, जो हमारा QS था वो क्या है, स्टीम है, स्टीम जो हीट प्रोवाइड कर रही है वो है MS. MS जो कि मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम एंड लैमडाइज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टीम है, यहाँ पे ये ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर रेट, जो यू है हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट है. ठीक है, तो यू है, यू का यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. ठीक है, यहाँ पे जो क्यूएस है, ठीक है, क्यूएस का जो यूनिट है, ठीक है, वो है वॉट. ठीक है, और क्यू का यूनिट भी क्या है, वॉट. ठीक है, अब यहाँ पे एरिया डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी जनरली हम केल्विन में लेते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो किसका डिफरेंस होगा, जो फीड का, सॉरी डेल्टा टी विल बी द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टीम माइनस, क्योंकि हमें ओवरऑल स्टीम का कैलकुलेट करना है. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो टी इज हियर, यहाँ पे जो टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और यहाँ पे ये है टेम्परेचर ऑफ स्टीम, जो हम स्टीम फीड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, Ts, और T इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो डेल्टा T है वो इट विल बी द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टीम माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर जनरली K में होता है, तो सॉरी केल्विन में होता है, तो जो अगर एरिया यहाँ पे क्या है, अगर Q हमारा वॉट में है, जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन में है, तो जो एरिया होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा फॉर एन इवेपोरेटर विल बी इन मीटर स्क्वायर. तो इस इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया फॉर एन इवेपोरेटर इफ वी नो द रिमेनिंग डेटा विच इज स्टीम, द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस. सो वी कैन कैलकुलेट द हीट, द रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया फॉर एन इवेपोरेटर. ठीक है, तो ये हमने जो बेसिक बेसिक जो इक्वेशन थी, जो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन थी वो, और इसमें एंथैल्पी बैलेंस कैसे करते हैं, इसका जो हीट ट्रांसफर एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हमने जो डिस्कस कर लिया, अगर सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर हो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इवेपोरेटर के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इसमें भी जो नेचुरल कन्वेक्शन, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी होता है, फोर्स्ड प्रोसेस के भी थ्रू होता है, तो हम उसको क्लासिफाई करके उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उनके बारे में हम डिफरेंट स्टडी करेंगे कि जो इवेपोरेटर्स है डिफरेंट टाइप के, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, इसके बारे में. थैंक यू.